वेलकम बैक गाइस, आज मैं एक और हाईली रिक्वेस्टेड स्मार्टफोन की ड्यूरेबिलिटी ट्राई करनी है एंड वो है इन्फिनिक्स का नोट 7। और इससे पहले हमने कुछ फोन्स ट्राई किए थे इन्फिनिक्स के, लाइक इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस और लेटेस्ट है इन्फिनिक्स नोट 7। अब धीरे धीरे चेंजेस जो दिख रहे हैं वो आप देख सकते हैं, फ़ोन काफ़ी बड़ा होने लग रहा है। रिस्क हो सकता है अगर आपका फ़ोन ज़्यादा बड़ा होता जाए कैरी करने में भी और ड्यूरेबिलिटी के टर्म्स में भी, स्पेशली बैंड एंड ड्रॉप को लेकर। फिलहाल स्मार्ट 4 प्लस सभी टेस्ट में परफेक्टली पास किया था और इन्फिनिक्स हॉट 9 प्रो भी सभी टेस्ट में पास किया था, लेकिन आफ्टर सम टाइम कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है फ़ोन में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एंड आई डोंट नो, पिन में भूल गया। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे कि फ़ोन के डिस्प्ले में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्ट ये जो ब्लैक बॉर्डर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और स्क्रीन में भी कुछ इश्यूज आ गए हैं। अब कैमरा ये सभी तो प्रॉपरली वर्किंग है बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और आज के टेस्ट में एक थोड़ा सा चेंज ये है कि ड्रॉप टेस्ट आज मुझे नहीं परफॉर्म करना है बिकॉज बहुत जल्दी मेगा ड्रॉप टेस्ट एपिसोड 3 आने वाला है। तो कौन सा सर्फेस हम यूज़ करें वो आप बताइएगा। वैसे हमने मोस्ट लाइकली सभी सर्फेस कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर हम मेगा ड्रॉप टेस्ट की बात करें तो हमने कंक्रीट की सड़क ली है जो सीमेंट की होती है यमुना एक्सप्रेसवे पे, और उसके बाद हमने मार्बल पे ड्रॉप टेस्ट किया है, किसी अच्छे पार्क में मैंने आपको दिखाया था। नाउ आप किस सर्फेस पर देखना चाहते हैं? मैं पोको X3 इंक्लूड करना चाहता हूँ, अभी वो फ़ोन ऑर्डर में है। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्फिनिक्स नोट 7 की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, देखते हैं फ़ोन कितना सॉलिड है। और एज एक्सपेक्टेड है, प्लास्टिक का बैक पैनल है, सो स्क्रैचेस बहुत ही आसानी से आपके फोन पे लग सकते हैं, इसलिए केस ऑलवेज यूज करिएगा या कोई स्किन का पार्ट अपने फोन पे अप्लाई कर सकते हैं। कंपेयर टू लास्ट इन्फिनिक्स फोन के लाइक स्मार्ट 4 प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग बाहर से रहती थी और उसके पहले की डिवाइस में भी बाहर से रहती थी, तो शायद कंपनी ने फीडबैक लिया और इस ब्रांडिंग को इस ग्लॉसी डिजाइन के अंदर कर दिया है। लेट्स ट्राई फ्रेम। फैमिलियर डिजाइन है जस्ट लाइक आपके बैक पैनल के, तो यहाँ पे भी पेंट आसानी से छूट सकता है अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्ट में आता है। हेडफोन जैक, स्टिल माइक्रो USB, सिंगल स्पीकर, DTS सराउंड साउंड इसमें है, ऑन द टॉप क्लियर कुछ भी नहीं है। वॉल्यूम बटन काफ़ी स्मॉल हैं और बहुत ही मिनिमल बनाए गए हैं, बहुत ज़्यादा बाहर नहीं हैं, सो रियली टफ है कि आपका ये बटन ऐसे कहीं फंस जाए, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं बाहर निकालने की। एंड बाहर नहीं आ रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जस्ट सिमिलर यहाँ पे पैटर्न है जैसा आपके फ्रेम पे है। और पावर बटन भी हल्का सा कटआउट अंदर तक दिया गया है जो बहुत सी कंपनीज फॉलो करती हैं, लाइक रियलमी में भी ऐसा ही है, सो ये भी बाहर नहीं आएंगे, बट ये काफ़ी अंदर है। मैं रिव्यू में ये फीडबैक बताना भूल गया था, ये बहुत ही अंदर है। अगर आपको लॉक करना पड़ता है तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, थोड़ा सा बाहर होता तो बहुत आसानी से लॉक अनलॉक हो जाता, लेकिन फिर भी लेट्स सी कि स्क्रैचेस करने के बाद क्या फिंगरप्रिंट वर्क करता है। बेसिक स्क्रैचेस से तो सेंसिटिव पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, थोड़ा ज्यादा स्क्रैच करते हैं। कैजुअल टेस्ट तो हम करते ही, लेकिन हम एक्सट्रीम टेस्ट भी करते हैं इन केस हु नोस आपका फोन किसी वर्स्ट फेट को मेट कर जाए, दिन बहुत खराब आपके फोन का। काफी ज्यादा स्क्रैचेस करने के बाद भी फिंगरप्रिंट सेंसर आसानी से वर्क कर रहा है। अनलॉकिंग भी प्रॉपरली हो जा रही है, इनिशियली आपको सेट करना पड़ेगा कहाँ पे आपको प्रेस करना है। कैमरा फ्रेम यहाँ पे जस्ट लाइक वन प्लस 70 है और ओल्डर नोकिया लुमिया 1020, मैं आपको दिखाता हूँ, होल्ड ऑन। आइकॉनिक, स्टिल माय फेवरेट लुमिया 1020, ये सभी डिजाइन यहीं से इंस्पायर्ड हैं, लेकिन इसको अभी तक कोई मैच नहीं कर पाया। प्लास्टिक का ये होना चाहिए,
एंड कैमरे का फ्रेम प्लास्टिक का बना हुआ है। सिम ट्रे कितना सॉलिड है वो भी हम ट्राई करते हैं। एंड क्वाइट सरप्राइजिंग, काफ़ी बजट फोन है लेकिन फिर भी यहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन दी गई है, अनलाइक सैमसंग के 25,000 28,000 के फ़ोन जहाँ पे गैस्केट प्रोटेक्शन नहीं होती है और फ़ोन लिक्विड में डैमेज हो जाते हैं। एक गैलेक्सी M31S हाइब्रिड डिज़ाइन है, इनसाइड मेटल की शीट दी गई है यानी कि स्टेनलेस स्टील, और आउटसाइड प्लास्टिक का ऐसा डिज़ाइन बनाया जाता है ताकि वो आपके पीसीबी में आसानी से फिक्स हो जाए। आउटसाइड प्लास्टिक जैसा आपका फ्रेम में है। एंड सिमट्रे काफ़ी ड्यूरेबल है, हमने रिसेंटली देखा था रियलमी के स्मार्टफोन्स में सिमट्रे आसानी से डैमेज हो जा रहे हैं, वीवो में भी डैमेज हो जा रहे हैं, ओप्पो में भी डैमेज होते हैं, बट यहाँ पे डैमेज नहीं हो रहा है। यू नो अगर ऐसा होता आप किसी गलत डायरेक्शन सिमट्रे लगा दें और ज़्यादा आपने प्रेस कर दिया तो हो सकता है ऐसा वो बेंड हो जाए, इसीलिए ज़रूरी होता है चेक करना कि सिमट्रे भी कितना सॉलिड है। डिस्प्ले कितना अच्छा है स्क्रैच के टर्म्स में वो जानने के लिए हम मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस यूज़ करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि डिस्प्ले कहाँ से स्क्रैच होना स्टार्ट होता है। प्लास्टिक सर्फेसेस लेवल 2 पे स्क्रैच होना स्टार्ट होते हैं, मेटल लेवल 3 पे स्क्रैच होता है और लेवल 4 पे स्टैंडर्ड यू नो ग्लास स्क्रैच होने लगते हैं। गुड क्वालिटी ग्लास लेवल 5 से स्क्रैच होते हैं और अगर हम अच्छी क्वालिटी की ग्लास करें यानी कि जस्ट लाइक कॉर्निंग और इन्फिनिक्स एनर्जी ग्लास प्रोटेक्शन यूज़ करती है वो लेवल 6 से स्क्रैच होते हैं। लेवल 6 पे यहाँ पे माइनर स्क्रैचेस हैं और लेवल 7 पे डीपर स्क्रैचेस हैं, जैसे आप बढ़ते जाएंगे स्क्रैच यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो ग्लास स्क्रैच की तरफ अच्छा हमने पहले भी देखा है, कीज एंड क्वाइंस आपके डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं कर पाएंगे लेकिन ये डिस्प्ले डस्ट सैंड और ग्लास पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आने से यहाँ पे स्क्रैचेस आसानी से पड़ सकते हैं। और अगर हम रियर कैमरे की बात करें यहाँ पे जो ग्लास लगा हुआ है उस पर देखें तो यहाँ पे भी सिमिलर तरह का ग्लास यूज़ किया गया है जो फ्रंट में यानी कि एनर्जी ग्लास, ये भी लेवल 5 पे स्क्रैच नहीं हो रहा है और लेवल 6 पे यहाँ पे माइनस स्क्रैचेस हैं, लेवल 7 पे यहाँ पे डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं। आई एम नॉट श्योर गाइस कि यहाँ पे कॉर्निंग ग्लास है कि नहीं है, आप मुझे कन्फर्म कर दीजिएगा, अदरवाइज मैं कमेंट्स में एक पिन कर दूंगा एक कमेंट को, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एनर्जी ग्लास ही है क्योंकि उसका भी बिहेवियर सिमिलर ही है जैसे कि यहाँ पे आपका फ्रंट डिस्प्ले में था। ईयर पीस ग्रिल काफ़ी बड़ा है, देखते हैं कैसा है वो। एंड ये एक हार्ड प्लास्टिक की मैश है, कोई पतली सी जाली नहीं जो सैमसंग को यूज़ करती है, एक हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे यूज़ किया गया है। एक बेसिक साइज स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं इस डिवाइस पे, सिमट्रे के अराउंड छोटी सी गैस्केट प्रोटेक्शन लगी थी, क्या वो गैस्केट प्रोटेक्शन इस फ़ोन को डैमेज होने से बचा सकती है और यू नो मे बी किसी और पोर्ट से अगर पानी अंदर जाता है तो शायद डिवाइस में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो हम अराउंड 5 मिनट का यहाँ पे स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कंपनी ने कोई ऑफिशियल क्लेम नहीं किया है कि इस डिवाइस में स्प्लैश प्रोटेक्शन है कि नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेट्स सी क्या डिवाइस वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। वेल अभी तक इन्फिनिक्स का कोई भी स्मार्टफोन इस टेस्ट में फेल तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमें ये टेस्ट परफॉर्म करना जरूरी है। और गाइस 5 मिनट अराउंड होने वाले हैं, लेट्स सी फ़ोन को हम बाहर निकालते हैं, क्लीन करते हैं, देखते हैं क्या फ़ोन अभी भी वर्किंग है कि नहीं है। वैसे तो गाइस हमने 5 मिनट से ज़्यादा कर दिया लेकिन फिर भी नो इश्यूज़, मैं ये सब चीज़ें थोड़े से बढ़ाता जा रहा हूँ, मे बी फ्यूचर में हम काफ़ी लंबे समय तक टेस्ट करते हैं। और बेस्ट वे चेक करने का ये है कि पानी दरिया नहीं गए, आप सिम ट्रे को इमीडिएटली बाहर निकालिए, अगर गया होगा देन यहाँ से पता चल जाता है। एंड केयरफुली देखने के बाद यही लग रहा है कि पानी अंदर नहीं गया, ये कम्प्लीटली ड्राई आउट है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी है क्योंकि गैस्केट प्रोटेक्शन है इसलिए यहाँ पे कोई भी अंदर पानी नहीं गया, बट मे बी यहाँ से जा सकता है, राइट। ठीक है, फोन प्रॉपरली अनलॉक हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो ये भी वर्कर यानी कि फ्रंट कैमरा भी इसका वर्क कर रहा है, वॉल्यूम बटन भी प्रॉपर है, नो प्रॉब्लम। चलिए अदर थिंग्स वेरीफाई करते हैं लाइक हेडफोन जैक। चलिए तो ये लुमिया डिजाइन था जो कैमरा अब दोबारा वापस आ गया है, जस्ट ये फ्रेम बाहर आ जा रहा है, अदर देन दैट कोई दिक्कत नहीं है। स्पीकर भी वर्क कर रहा है, चार्जिंग भी प्रॉपर्ली हो रही है, कैमरा भी प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, कोई इश्यूज नहीं है। तो फोन आपका सॉर्ट ऑफ स्प्लैश है लेकिन फिर भी ये चीज़ ट्राई मत करिएगा, हो सकता है डिफरेंट एनवायरनमेंट में डिफरेंट यू नो डेप्थ से आपका फोन शायद डैमेज हो जाए। नाउ चलिए अब हम बेंड टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसके लिए मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था। क्या ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जो इन्फिनिक्स ने फर्स्ट टाइम अपने फ़ोन में
यूज़ किया है, कोई प्रॉब्लम करता है कि नहीं करता है। लेट्स सी, हम फोन को पहले डिस्प्ले साइड से बैंड करते हैं एंड फिंगरप्रिंट सेंसर एकदम एग्जैक्टली सेंटर में है। लेट्स सी, हियर वी गो, 3, 2, 1। फोन में काफी फ्लेक्स आया लेकिन फिर भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है एंड फोन हल्का सा परमानेंटली बेंड हो चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मैं आपको दिखाता हूँ ट्रिक, देखिए देखिए बाहर निकल आ रहा है, राइट, यानी कि फोन में काफी ज्यादा बेंड आ चुका है। लेट्स सी क्या उसी डायरेक्शन से बेंड करने में कोई प्रॉब्लम आती है कि नहीं आती है। हियर वी गो, 3, 2, 1। काफी बड़ा और हैवी फोन है लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है फोन में। जो मेरा फियर था, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था, वो थोड़ा सा मुझे पॉजिटिव था कि इनफिनिक्स के ट्रैक रिकॉर्ड अच्छे हो गए हैं, सो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। यू रिमेम्बर थोड़ा सा देखिए हल्का सा कुछ क्रैकिंग साउंड तो आई है, आई एम नॉट श्योर कहाँ से आई है, कुछ तो क्रैक हुआ है बट कोई भी ऐसा विजिबल क्रैक मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो सो फॉर अभी भी फ़ोन मुझे तो लगता है प्रॉपरली वर्किंग है, फ्रेम भी ओके है, डिस्प्ले भी ओके है, मे बी इंटरनल कुछ लूज पार्ट होगा जो शायद हट गया, लेकिन अभी भी फ़ोन आपका परफेक्टली वर्किंग है जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये था गाइस इन्फिनिक्स नोट 7 का कंप्लीट ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। इन समरी, कंस्ट्रक्शन अच्छा है, फोन सॉलिड फील हो रहा है, कोई कंप्रोमाइज नहीं दिख रहा है एंड प्लास्टिक है वो सभी आप उसके इश्यूज जानते हैं। और जो मुझे कंसर्न लग रहा था स्पेशली बिग डिस्प्ले है, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए फिंगरप्रिंट सेंसर के अराउंड जैसा हमने देखा था लाइक पोको फोन हुआ था, लेकिन यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ साउंड आई थी, मे बी कुछ इंटरनल साउंड होंगी एंड फोन थोड़ा स्प्लैश वो भी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दी ड्रॉप टेस्ट, मेगा ड्रॉप टेस्ट में हम फोन को इंक्लूड करते हैं, देखते हैं क्या अदर फोन की कंपैरिजन में कितना सॉलिड है कि नहीं है। सो बहुत बहुत शुक्रिया गाइस आज के इस टेस्ट को देखने का।